नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद इसका नंबर आया है धुलाई के लिए। जॉन डियर को लेके जा रहे हैं आज और साथ में ले जाएंगे जेसीबी को। कुछ नया करने का कोशिश करेंगे नदी पर और इसको अच्छे से धोएंगे। और जेसीबी भी जब से आई है तब से अभी तक धुली नहीं है, काफ़ी सारा काम कर लिया है तो उसको भी धोएंगे। तो बने रहना आखिरी तक, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर अपन शुरू करते हैं। ये देखो ट्रैक्टर की हालत, भाई साहब इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना। देखो मिट्टी जो है चिपक रही है, वो जो तालाब बनाया था उसके पहले से ही ऐसा गंदा हो रहा था। आप अंदर तक देखोगे ना, यहाँ भी मिट्टी भरी पड़ी है। और ये सोनाली का रखा हुआ है चमचमाते हुए, साफ़ सुथरा बेहतरीन। और वो अर्जुन वो भी धुला हुआ रखा है, और पास में आयसर रखा है वो भी धुला हुआ रखा है। तो इनको रखा रहने देंगे आज, सिर्फ इस नई मशीन अपनी जेसीबी और जॉन डियर सिर्फ दो ही चीज़ों को लेके जाएंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे उनमें सब में आपने सिर्फ ट्रैक्टर्स को धोया है अलग अलग जगहों पे, मतलब दो घाटे अपने गांव पे, दोनों घाटों पे ले जाके अपन ने धोए और बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं जेसीबी के साथ क्या होता है। बकेट से पानी डालेंगे अपन भर भर के, अलग ही कुछ मज़ा आएगा। तो उसी चीज़ के लिए अपन जॉन डियर और इसको दोनों को लेके जा रहे हैं। फिर कभी जब कटाई वटाई हो जाएगी उसके बाद अपन सारी की सारी मशीनों को इकट्ठा लेके चलेंगे वहीं पे। तो बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। और जिसने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया कर लो, vinod_prajapati21 ID है। अपडेट उस पर आते रहते हैं, बीच बीच लाइव भी करते रहता हूँ कभी कभी। और ये दोनों आ चुके हैं, काशी और मुनसिंह। और सबसे पहला काम इनका भीड़ ढूंढने का ही रहता है। बस ऑफ सीजन है, अभी छोटे छोटे अभी लग रहे हैं और जो पुरानी बच गई थी कुछ। देखो ये भी छांव में रखा हुआ है, धुला हुआ एकदम क्लीन। कच्ची क्यों तोड़ रहा हो यार? तो भैया आज जो है हमारे काशीराम को चुल मच रही कि मैं चलाऊंगा जेसीबी, और दीपक भाई जो है एक फील्ड देखने गए हैं प्रमोद के साथ, ठीक है। तो अभी के मैं बोल रहा हूँ चल बाहर तो निकाल, देखते हैं अगर अच्छा चलाया तो फिर तू लेके चलना, और मोहन सिंह लेके आएगा जॉन डियर को। तो मोहन सिंह लेके आओ जॉन डियर को, प्लाउ यहीं निकाल लेते यार। तो ये प्लाउ को इधर पे निकाल देते हैं। अरे ऐसा कह तो वहीं लगा देना, आ जाए ट्राली के बगल में निकाल दे और जान दे और जान दे। तो भैया दीपक भाई हमारे आ गए हैं और उन्होंने जेसीबी पहले ही चालू कर ली है। काशी बोल रहा था कि मैं चलाऊंगा और चलो बीच में दे देंगे उसको हाईवे पे। ये जो इतना रास्ता है ना, वहाँ पे क्या भी के पेड़े हैं उसके चक्कर में मोड़ने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे मोड़ेंगे तो डगारें टूट जाएंगी, इसलिए रिवर्स लेके जाते हैं। गाड़ी जैसी आती है वैसी हो जाती है और यहाँ पे आके इसको मोड़ लेते हैं। ये जेसीबी में रख देना है ना। तो ये आ गया भैया हमारा सामान धुलाई का। कपड़ा तो रख लो एक आध, ये की पड़ा ये डालो कौन करो। चलो मशीनें आ रही हैं गाइस, चलो गेट खोलो उसके बाद चलते हैं।
भाई आप लोगों की भारी डिमांड पे एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं नदी के घाट पे जॉन डियर और जेसीबी को लेकर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि यार जेसीबी को लेकर जाओ धोने के लिए, तो जॉन डियर भी अपना था ही था वेटिंग में, उसको तो धोना ही था। तो दोनों की दोनों चीज़ें लेके आ गए हैं, बस आने ही वाली हैं हम लोग पीछे। मैं पहले आ गया हूँ घाट पर, है ना, मशीनें जो हैं पीछे आ रही हैं। अगर अभी आप देखेंगे ना तो पानी बहुत कम हो गया है, पहले पानी यहाँ तक था और डैम जो है ऊपर से उबल रहा था। आप देखेंगे ना वो जो दीवार थी उसके ऊपर से ही पानी निकल रहा था, इस तरह से भी, तो वो सब कम हो गया है, मतलब पानी की मात्रा कम हो गई है। पिछली बार अपन ले गए थे आइसर को बीचम बीच तक, लेकिन इस बार ऐसी कोई मशीन नहीं है क्योंकि इनमें फ़िल्टर्स होते हैं, उनमें पानी जाने का डर रहता है, तो इसको नहीं लेके जाएंगे अपन। तो फाइनली घाट पे आ गई हैं दोनों की दोनों मशीनें। अब जगह देखी हुई है वैसे तो, ये जो सामने वाली जगह है यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन अब चूँकि पानी उतर गया है ना तो कीचड़ बढ़ गई है किनारे किनारे पे, तो यहाँ से ले जाना ही बेटर होगा। वहाँ पे साफ़ सुथरा दिख रहा है पानी, है ना, कुछ है नहीं। चलो फटाफट उतार लो कपड़े। ये देखो सारी टीम तैयार हो रही है कपड़े उतार उतार के, कौन कौन पानी में पहले जाएगा, पहले तो जाँच करने चले जाओ, है ना। तीन ही जाएंगे, मोहन सिंह सबसे आगे, पहली बार अपने जहीं खड़ा करा था थोड़े से आगे, एक ये काला ये है ना चोई जाके यहाँ गड्ढा होगा, हाँ यहीं थोड़े से आगे, और जैसा साइड है वो गड्ढा दिखा रहा है। ये जो बांध है ना इसके ऊपर पहले पानी चल रहा था, तो फिसल के गिरने के डर से, मतलब चोई जम गई थी, तो अक्सर ऐसा दुर्घटना हो जाती। इस चक्कर में मैं नहीं गया था, लेकिन इस बार चलेंगे ऊपर। मशीन रेडी है जाने के लिए, ये पानी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे और गहराई बिल्कुल भी नहीं है बची यार, मतलब पहले पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी, और अभी देखो मैं इतना आ गया हूँ उसके बाद भी पानी गहरा ही नहीं है। ये नीचे देखो चोई दिख रही है, पीछे काफ़ी गहराई है पानी की, इसलिए यहीं पे खड़ा कर लिया है। ये यहाँ पे पानी बहुत कम है यार, है ना, और ये बगल में गहरा है, ये मोहन सिंह खड़ा है ना, इतनी जगह पे गहरा है और यहाँ पे काफ़ी उथला पानी है। वाह, ये पीछे कर थोड़ा इसको, पत्थर डाल का वहां पे, पत्थर गिर का पानी भर के डाला, एक पत्थर आ गया सामने। ये बात मशीन बंद कर लो, पहले इसको धो लेते हैं फिर निर्मा लगा लेंगे, है ना। पानी थोड़ा ज्यादा कम है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक तो डूब डूब जा रहे थे पिछली बार जब आए थे, और अभी देखो मैं चल रहा हूँ। एक बार खोल लो, यह चमक गई यार एक ही बार के पानी में। तो भैया कुछ जगहों पे पानी की गहराई ज़्यादा है, तो मैंने पर्स रखा हुआ था
और एक में रुमाल रखा हुआ था तो मैं निकाल के मैंने यहाँ साइड में रख लिया है, क्योंकि गीला हो गया तो पैसे वैसे सब गीले हो जाएंगे और अभी पेट्रोल भी कम है गाड़ी में, वो भी डलवाना है, दिक्कत आ जाएगी। जाली गिर गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ये नदी में घाट के इस तरफ हम लोग जेसीबी और ट्रैक्टर को धो रहे हैं, और आप उस तरफ देखेंगे ना वहाँ पे ये इस तरफ कहीं भंडारा वंडारा कुछ चल रहा है, तो लोग जो है बड़े इंटरेस्ट से वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, चड्डी तक पानी आ चुका है, अगर नहीं जा रहा है इस तरफ से घूम के चलते हैं, इस तरफ से घूम के चलेंगे। बाल्टी आ रही है, तैर के पकड़ो इसको। अच्छा, जेसीबी को धोना थोड़ा कठिन काम है, इसमें एरिया बहुत ज़्यादा है धोने के लिए, ट्रैक्टर में थोड़ी जगह कम होती है, फटाफट धो लो। क्यों, कांच है खूब सारे, उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, वही हाँ वो जगह ज़्यादा है ना साफ करने के लिए। चमक गया, वाह यार मोहन सिंह चमका दिया है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब होने वाला तो नहीं है? पूरे में पानी डाल दिया जेसीबी के अंदर यार, कपड़ा मारो यार। और जब जब यहाँ पे धोने आते हैं एक ना एक चीज कुछ नुकसान होती है, पिछली बार अपने आइसर का टप फटा गया था और इस बार जॉन डियर का, खैर ये भी काफ़ी पुराना हो गया इसलिए धूप में सिक सिक के वो कमज़ोर हो गया था, तो फटना ही था उसे, तो अब दूसरा डलवाना पड़ेगा। उस बकेट में बहुत सारा पानी बनता है, भर के डालेंगे तो फटेगा ही फटेगा। तो सामने जो भागवत कथा चल रही है वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं बगल के खेतों से, उन्होंने चने पटा लिए और होरा भूंजा जा रहा है भाई साहब। अभी ये जॉन डियर भी हमारा चमक गया है, दोनों भाइयों ने रगड़ रगड़ के घिस दिया है, पहले ही वैसे चमक तो गया था, जो मिट्टी लगी थी वो निकाल दी ना। चलो नहा लो तुम लोग। तो भैया अभी ये कहने वाले हैं कि जेसीबी की बकेट से भर भर के ये दोनों को नहलाएंगे, इनने अच्छे से नहीं नहाया बहुत दिनों से, इसलिए इसको नहलाएंगे। चलो मशीन हो चुकी है चालू, मोहन सिंह बकेट के ऊपर खड़ा हो गया है। पानी जाल नीचे करो, नीचे करो। बस बस इतने ही ऊपर से कूद गया, बोले लगा ज्यादा ऊंचा नहीं। अभी शैम्पू साबुन लगा ले, अब क्यों मैं लोडर से डालना पानी है। आ जाओ आगे आ जाओ।
तो ट्रैक्टर और जेसीबी दोनों धुल गए हैं और इसको एक स्टेबलाइजर उठा के खड़ा कर दिया तिरछा, ताकि इसमें जो पानी भरा है इसके अंदर केबिन के अंदर वो पूरा निकल जाए। और अब मैं लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे झरना चल रहा है, और वहाँ पे देखते हैं कैसा माहौल है ना। तो वहाँ पर जाने के लिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा उस तरफ वाले घाट पर, तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे ये बड़े बड़े सीढ़ी टाइप के बने हुए हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी। चढ़ पाएंगे कि नहीं यहाँ से? ऐसे ही पत्थर रखे थे पिछली बार भी, तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। पिछली बार जब हम आए थे तो नदी इसके ऊपर से बह रही थी, पानी जो है बहुत खाली हो गया है। मैं इसीलिए इसके ऊपर नहीं आया था क्योंकि इसके ऊपर देखो चोई दिख रही है ना, ये चोई जमी हुई थी और पानी जो है ऊपर से फैल रहा था। यहाँ पे ना बैठ के बातें करने का कुछ मजा ही अलग आएगा, है ना। ये पहले नहीं थी, लोग ऐसे उलाक उलाक के जाते। बहुत पानी है यहाँ पे, पानी कितना शांत दिख रहा है जब ये यहाँ से जा रहा है ना। टोटल इस बांध के ऊपर जो 8 गेट हैं, 8 में से एक खुला हुआ है मात्र, और उसमें से भी इतना पानी जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो भैया आप चलते हैं घर। वीडियो जिसने भी यहाँ तक देख लिया, पसंद आई हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह की शानदार शानदार वीडियोज़ आती रहती हैं।